नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विश्वामित्र ऑनलाइन एजुकेशन में। आज की वीडियो में हम देखेंगे समाजशास्त्री अगस्त्य कामटे के जीवन के बारे में, उनके जीवन की विभिन्न घटनाएं और उनकी रचनाओं के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगस्त्य कामटे को समाजशास्त्र का पिता कहा जाता है। फ्रांस के ये थे और इन्हें कहा जाता है समाजशास्त्र का पिता। फ्रांस के प्रतिभाशाली अगस्त्य कामटे को समाजशास्त्र का पिता कहा जाता है। इन्होंने समाजशास्त्र को व्यवस्थित विज्ञान के रूप में प्रतिपादित किया है। अगस्त कामटे ने समाजशास्त्र को एक व्यवस्थित विज्ञान के रूप में प्रतिपादित किया। इनका जो पूरा नाम था वो था इंसिडोर अगस्त मेरिए फ्रेंकोइस जेवियर कामटे। इनका जो पूरा नाम था वो था इंसिडोर अगस्त मेरिए फ्रेंकोइस जेवियर कामटे। इनका जो जन्म हुआ था 19 जनवरी 1798 को मोंटीपिलियर नामक स्थान पर हुआ था। इनका जन्म मोंटीपिलियर स्थान पर 19 जनवरी 1798 को हुआ था। कामटे के जो माता पिता थे वो कैथोलिक धर्म के कट्टर समर्थक थे। तो समाजशास्त्र के पिता के रूप में अगस्त कामटे का नाम प्रसिद्ध है। इन्होंने एक व्यवस्थित विज्ञान के रूप में समाजशास्त्र को प्रतिपादित किया। इनका जो पूरा नाम था इंसिडोर अगस्त मेरिए फ्रेंकोइस जेवियर कामटे था। इनका जन्म जो हुआ था वो हुआ था मोंटी प्लियर नामक स्थान पर 19 जनवरी 1798 को, और इनके जो माता पिता थे वो कैथोलिक धर्म के कट्टर समर्थक थे। अगस्त कामटे बचपन से ही विभिन्न विलक्षणताओं से परिपूर्ण थे। कामटे प्राचीन सत्ता और परंपराओं के विरोधी थे। उनके विचार अपने माता पिता से मेल नहीं खाते थे। उनकी जो रुचि थी बचपन से ही वह थी गणित में, और उनका अध्ययन योजना के अनुसार होता था। वे अपना जो अध्ययन करते थे वो योजनापूर्ण तरीके से करते थे। उनकी जो रुचि थी बचपन से ही वो थी गणित विषय में, जैसे कब और कितना समय किस विषय को पढ़ना है यह सभी कार्य वे व्यवस्थित करके रखते थे। उनके बचपन से ही कुशल नेतृत्व की क्षमता थी। 1818 ई में संत साइमन के संपर्क में आए थे, जिसका उनके जीवन पर अत्यधिक प्रभाव पड़ा था 1818 में। और उनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था 19 जनवरी 1798 को। अट्ठारह सौ अट्ठारह ई में संत साइमन के संपर्क में आए थे, जिसका उनके जीवन पर अत्यधिक प्रभाव पड़ा था। लेकिन वह 6 साल तक उनके साथ रहे। उसके बाद विचारक जो उनके थे साइमन, उन पर यह आरोप उन्होंने लगाया कि वह ढोंगी और पाखंडी हैं। उनका कहना था कि उनके जीवन का शोषण कर अपने नाम से स्वयं उनका उपयोग करते हैं। इस कारण दोनों के संबंध आपस में समाप्त हो गए थे। अपने विचारक साइमन पर उन्होंने आरोप लगाया कि वो उनका शोषण करके उनके विचारों को स्वयं के नाम का उपयोग करके प्रदर्शित करते हैं, जिससे उन दोनों का संबंध आपस में समाप्त हो गया था। कामटे का जो विवाह हुआ था वो 1825 में कोरोलिन मैसिन से हुआ था, लेकिन दोनों के बीच में गहन मतभेद होने के कारण 17 वर्ष बाद ही 1842 में उन्होंने विवाह विच्छेद कर लिया था। इनका जो विवाह हुआ था वो हुआ था 1825 में कोरोलिन मैसिन से, और दोनों के बीच में मतभेद रहने के कारण 17 वर्ष बाद उनके बीच में विवाह विच्छेदन हो गया था। अगस्त कामटे की आर्थिक स्थिति बचपन से ही ठीक नहीं थी। उनके पास आजीविका का कोई भी साधन नहीं था। उनके जीवन में अनेक ऐसे दिन आए जब उन्हें बहुत समय तक भूखा भी रहना पड़ा। उनकी आर्थिक स्थिति ठीक ना होने के कारण उन्हें बहुत दिन ऐसे भी उनके जीवन में आए जब वे भूखे ही सोए। वह अपनी परेशानियों के चलते अपना मानसिक संतुलन तक खो बैठे थे, जिसके चलते उन्होंने एक बार पानी में डूबकर आत्महत्या करने तक का प्रयास कर लिया था। उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। वे भोजन तक नहीं कर पाते थे बहुत से दिनों में, और इसी परेशानी के चलते उनका मानसिक संतुलन बिगड़ चुका था, जिसके चलते उन्होंने एक बार पानी में डूबकर आत्महत्या करने तक का प्रयास भी किया था। इसके पश्चात 1830 में उनकी पुस्तक पॉजिटिव फिलोसफी का पहला भाग प्रकाशित हुआ।
जिसकी ख्याति धीरे धीरे चारों ओर फैलने लगी, जिसके कारण उन्हें पॉलिटेक्निक स्कूल में विद्यार्थियों के निरीक्षण का प्राप्त हुआ, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ। जब उनकी पॉजिटिव फिलोसफी नामक पुस्तक छपी, जिसका पहला भाग प्रकाशित हुआ, तो इससे उनकी आर्थिक स्थिति में थोड़ा सुधार हुआ और लोग उन्हें जानने लगे। इस पुस्तक में 6 भाग हैं, जिसका अंतिम भाग 1942 में प्रकाशित किया गया था। इस पुस्तक में 6 भाग हैं, जिसका अंतिम भाग जो प्रकाशित किया गया था वो 1942 में किया गया था। वे अपनी पुस्तकों की रॉयल्टी नहीं लिया करते थे। उनका मानना था कि लेखन के बदले पैसा लेना उचित नहीं है। वे अपनी पुस्तकों की रॉयल्टी नहीं लिया करते थे। उनका यह भी मानना था कि लेखन के बदले पैसा लेना उचित नहीं है। वे एक अच्छे महान दार्शनिक थे। उन्होंने जीवन भर संघर्ष किया और आर्थिक कठिनाइयों से हमेशा जूझते रहे। उनके अपने वैवाहिक जीवन में भी कोई सुख प्राप्त नहीं हुआ। वह हमेशा आर्थिक तंगी से भी जूझते रहे और निरंतर साम्यवाद और परंपरा धर्म का विरोध भी करते रहे। अगस्त कांटे का जो जीवन है, पूरा जीवन दुखों और यातनाओं से भरा हुआ था। अंत में उन्हें कैंसर हो गया, जिसके कारण 59 वर्ष की आयु में 1857 में उनकी मृत्यु हो गई। उनका पूरा जो जीवन था वो दुखों और यातनाओं से भरा हुआ था और अंत में उन्हें कैंसर की बीमारी हो गई थी, जिससे 59 वर्ष की आयु में 1857 में उनकी मृत्यु हो गई। अब हम अगस्त कांटे की कुछ रचनाएं देख लेते हैं। अ प्रोस्कर्स ऑफ द साइंटिफिक वर्ल्ड वर्क रिक्वायर्ड फॉर द रीऑर्गेनाइजेशन फॉर सोसाइटी, जो 1822 में उनकी प्रकाशित हुई थी। यह कामटे की पहली रचना है जिसकी भूमिका सेंट साइमन ने लिखी थी। द कोर्स ऑफ पॉजिटिव फिलोसॉफी 1830 से 1842 में यह 6 खंडों में प्रकाशित हुई थी। सिस्टम ऑफ पॉजिटिव पॉलिटी 1851 से 1854 में यह 4 खंडों में प्रकाशित हुई है। क्रिटिसिज्म ऑफ पॉजिटिव 1852 में प्रकाशित हुई। यह उनकी अंतिम रचना मानी जाती है, जिसका प्रकाशन 1852 में हुआ था। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, ताकि जैसे ही हम कोई सा नया वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। धन्यवाद।